साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। विधायक टेकचंद शर्मा के खिलाफ गांव बगोला की पंच सरकारी लामबंद हो रही है, जिसका कारण विधायक टेकचंद शर्मा द्वारा गांव के सरपंच को अपशब्द बोलना है। ये पूरा मामला यूं ही 22 अप्रैल को भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर की एक सभा की चौपाल पर हुई थी। सभा में कृष्णपाल गुर्जर तय समय के पहले ही पहुंच गए। जिस समय कृष्णपाल गुर्जर सभा स्थल पर पहुंचे, तब तक वहां ग्रामीणों की बहुत कम भीड़ थी। कम भीड़ को देखते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पटला विधानसभा से बसपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने हुए टेकचंद शर्मा को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने सभा स्थल पर ही सरपंच को अपशब्द कह डाले। विधायक के इस बयान के बाद ग्रामीणों में विधायक टेकचंद शर्मा के खिलाफ हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि कृष्णपाल गुर्जर से उनको कोई एतराज नहीं है, लेकिन विधायक को विधानसभा चुनावों में मजा चखाया जाएगा। गांव बघोला की पंच सरदारी आज सरपंच रविदत्त के घर पर एकत्रित हुई और बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर का दोबारा से गांव में बुलाकर के सत्कार किया जाएगा और लोकसभा में भाजपा को वोट दिया जाएगा, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में विधायक टेकचंद शर्मा को वोट नहीं दी जाएगी और उनको मजा चखाया जाएगा। बैठक में ग्रामीण त्रिलोक चंद, पूर्व पंच महेश, राजेंद्र चौधरी, बाबा रमेश, भजनलाल, श्याम, नील शर्मा, सरपंच रविदत्त सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। हम जो विधायक जी ने हमारे बस्ती में आके धिक्कार कहा है, ऐसे शब्द विधायक जी को अंदर ना कहने चाहिए। कई बार विधायक जी ने सरपंच के खिलाफ इस तरीका के शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। तो आप क्या मांग करते हैं कि विधायक को इस अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? विधायक को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। पूरे बस्ती में जैसे विधायक ने कहा है, पंचायत में सरपंच को जो विधायक ने कहा है, दो तीन बार ऐसे अपशब्द बोल चुका है, इसको अपने माफी मांगनी चाहिए। इसको अपनी गरिमा में रह के बात करनी चाहिए, जो विधायक की गरिमा होती है। क्या सरपंच हमारा गांव का मुखिया नहीं है? सरपंच भी तो गांव का मुखिया है। विरोध इसलिए है जी, हमारे को सूचना ना होने के उपरांत भी हम कच्ची चौपाल पे इकट्ठे हुए और लगभग 100-125 आदमी थे। आजकल फसल का टाइम चल रहा है, इन दिनों आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है, मौसम खराब चल रहा है, सब अपनी फसल में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी 100-125 आदमी कच्ची चौपाल मौजूद थे। उसके उपरांत भी विधायक साहब ने सरपंच साहब के लिए कुछ अशोभनीय शब्द बोले, उन शब्दों की मैं निंदा करता हूँ। क्या मांग करते हैं आप विधायक को, क्या माफी मांग? देखो, ऐसे चौपाल पे विधायक जी को अशोभनीय शब्द बोलना ठीक नहीं, उचित नहीं है। माफी मांगनी चाहिए उनको बयान पर। देखो, ये तो अब उनको देखना है कि वो इस प्रकार के आगे से माहौल को कैसे संभालें। ये विरोध हल्का विधायक टेकचंद शर्मा जी का है, ना कि बीजेपी प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का। हालांकि थोड़ा सा उससे माहौल थोड़ा डगमगा गया, लेकिन लोगों की बात समझ में आ गई है पूरा। मुझे टाइम दिया गया था 10:30 बजे का। हम लोग वहाँ पर, मैंने वहाँ पर सारे का सारा इंतजाम करा दिया, चाय का, पानी का, टेंट वगैरह का। अब ये बिल्कुल 10:30 से भी 10 मिनट पहले गया जी। अब जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन हुए वो आ गए हैं, तो मैं विद इन 5 मिनट वहाँ पर गया। 100-125 आदमी ऑलरेडी थे ही थे। भाषणबाजी स्टार्ट हुई, विधायक जी ने शुरुआत में ये कह दिया कि भाई गांव में इतने बड़े नेता आ रहे हैं और सरपंच को इतने तक मालूम नहीं है, वो इतना व्यस्त है, धिक्कार है। मैं तो उनके इस अभद्र भाषा पर मैंने कह क्या गए, गांव वालों ने विरोध किया, वो तो भगवान का शुक्र ये है। अगर मैं भी तेज में आ जाऊं, अगर वहां पे किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाए, उसके जिम्मेवार कौन होगा? मैं तो इसके बिल्कुल इस सख्त खिलाफ हूँ। रही जहाँ तक माफ़ी मांगने वाली बात, माफ़ी मांगो ना मांगो ये एक अलग इशू रहा। इन्होंने ये अभद्र भाषा बोल कैसे दी? इनके पास क्या किसी आदमी से गलत बोलने का लाइसेंस मिला हुआ इनको? और रही इनकी ये, भाई मैं बघोला में 1000 आदमी इकट्ठा कर दूँ, मैं आज विधायक जी से कहता हूँ ये तो चलो अपने भाजपा प्रत्याशी श्री कृष्णा गुर्जर जी का वो है चुनाव है, ये अपने चुनाव में पूरे 102 गांव है, ये 100 आदमी इकट्ठे कर दिखाते हैं इन्हीं व्यवहार से। मैं हूँ, हमने इनको कितने लाड़ प्यार से वोट दिए 2014 के चुनाव में, ये तो हम जानते हैं ना। इनको तन से, मन से, धन से, पैसे तक दिए हैं चुनाव लड़ाने के लिए। आज ये हमको और हमारे गाँव को धिक्कार बोलते हैं, चंद लोगों के साथ मिलकर है जी। और रही इनकी बात, अब इनकी विधानसभा भंग होने तो पता लग जाएगा कौन कितने साथ हैं इनके। क्या लगता है जब इलेक्शन होगा तो इस बयान का
असर चुनाव नहीं नहीं हमारे गांव से कोई वोट नहीं देगा जिनको, हम तो कोई असर नहीं है, माफी से कोई असर नहीं है, हम वोट नहीं देंगे इनको, इनके इस व्यवहार का इनका तो इनको खामियाजे भुगतना ही पड़ेगा। माफी से ये माफी मांगते हैं उसके बावजूद कुछ नहीं, माफी मांगते हैं गांव लेवल की बात है, अगर ग्राम हमारा गांव इनको माफ करता तो ठीक है, नहीं तो इनको वोट नहीं मिलेगा, नहीं वोट। बढ़ला विधानसभा के गांव बघोला में विधायक टेकचंद शर्मा द्वारा वर्तमान सरपंच रवि दत्त को अपशब्द कहे जाने पर ग्रामीण लामबंद होकर विधायक टेकचंद शर्मा का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा के चुनाव में टेकचंद को एक वोट तक नहीं दिया जाएगा। बढ़ला के विधायक टेकचंद शर्मा का बड़बोलापन आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। पलवल से वीना चौहान की खास रिपोर्ट।